नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कारपेंट्री शॉप में प्रयोग होने वाले मार्किंग टूल्स के बारे में। वो मार्किंग टूल्स हैं पेंसिल, स्क्राइबर, मार्किंग गेज, मोर्टाइज गेज, ट्राई स्क्वेयर, बेवल, कंपास व डिवाइडर। जो पेंसिल है इसका प्रयोग करते हैं हम वुड पर मार्किंग करने के लिए, एक लेड पेंसिल होती है। उसके बाद है स्क्राइबर, यह कार्बन स्टील का बना होता है जिसका एक एंड शार्प कॉनिकल एज होता है जिसको हार्डन किया जाता है ताकि वियर और टीयर को भी रजिस्ट किया जा सके। और स्क्राइबर का जो प्रयोग है वो हार्ड सरफेस पे मार्किंग करने के लिए करते हैं। तो जब हम वुडन स्टोक का प्रयोग करते हैं उसकी प्रोसेसिंग करने से पहले वुडन स्टोक पर पॉइंट्स या लाइनिंग की मार्किंग के लिए हम स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है मार्किंग गेज। मार्किंग गेज ये कारपेंट्री शॉप में प्रयोग होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं कि टूल है। इसके अगर पार्ट्स की बात करें, इसको हम स्टैम कहते हैं, इसको फेंस या स्टोक बोला जाता है। यह एक थंब स्क्रू होता है और ये एक स्क्राइबिंग पिन होती है। तो मार्किंग गेज का जो प्रयोग है वो पैरेलल लाइंस को ड्रा करने के लिए करते हैं। और इसमें जो स्टोक या फेंस होता है वो एक मूवेबल पार्ट होता है जो स्टैम पर मूव करता है। और इस लॉक स्क्रू की मदद से हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो स्क्राइबिंग पिन है यह फिक्स होती है और इसकी मदद से हम मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोर्टाइज गेज की। इसका जो फंक्शन होता है वो मार्किंग गेज की तरह ही होता है। तो डिफरेंस जो होता है वो इसकी कंस्ट्रक्शन में होता है कि यहाँ पर एक लॉकिंग स्क्रू लगा है और इसके ऊपर दो मोर्टाइज पिन लगी होती हैं जिसकी मदद से हम दो पैरेलल जो लाइंस हैं उनको हम ड्रा कर सकते हैं। और इन दोनों पिन्स में एक पिन फिक्स होती है जबकि जो दूसरी पिन है वो एडजस्टेबल भी होती है और फिक्स भी हो सकती है। और इसके नीचे एक दूसरी स्क्राइबिंग पिन भी लगी है, इसकी मदद से भी मार्किंग इसमें की जा सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्राई स्क्वेयर। ट्राई स्क्वेयर यह एक स्टील, इसका जो ब्लेड है वो स्टील का बना होता है। इसका जो हैवी बेस होता है वह कास्ट आयरन का बना होता है। और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। ऐसी भी लाइन ड्रा की जा सकती हैं जिनका एंगल 90 डिग्री का होता है। कह सकते हैं कि लाइंस एट राइट एंगल को हम बड़ी आसानी से इसकी मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा, प्लेन सरफेस की ट्रूनेस को चेक करने के लिए भी ट्राई स्क्वेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो टूल है वो है बेवल। बेवल में दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसमें ये वुडन स्टोक होता है जिसे हम वुडन हैंडल भी कह देते हैं, दूसरा इसमें ब्लेड होता है। ब्लेड को हम वुडन हैंडल के साथ एक स्क्रू की मदद से हम फिट कर देते हैं। वुडन हैंडल जिसे हम स्टोक कहते हैं, एक स्क्रू की मदद से एडजस्टेबल ब्लेड के साथ फिट होता है और ब्लेड को हम 180 डिग्री एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। और हैंडल के रिस्पेक्ट में बेवल का प्रयोग वुड पर एंगल को मार्क करने के लिए करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है कंपास व डिवाइडर। इसका प्रयोग हम करते हैं आर्क और सर्कल्स को ड्रा करने के लिए, डायमेंशंस को ट्रांसफ़र करने के लिए भी कंपास और डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। आर्क, सर्कल, लाइन को बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो लेग्स होती हैं, दोनों लेग्स के बीच में एक स्क्रू लगा होता है और इस स्क्रू की, इसे हम लॉक स्क्रू कहते हैं, जिसकी मदद से हम जो एडजस्टमेंट है उसको कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक स्प्रिंग भी लगा होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की कारपेंट्री शॉप में प्रयोग होने वाले मार्किंग टूल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।